जम्मू में बढ़ती कीमतों के बीच बढ़ते एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दामों के बीच अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी कमीशन बढ़ाने की मांग जो है वो सामने रखी। ऐसे में उन्होंने कहा कि खर्च पूरे नहीं हो पा रहे और ऐसे में ये भी कहा गया कि हो सकता है 1 जुलाई से एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी बंद कर दी जाए। ऐसा क्यों वो आगे चलकर जानेंगे। फिलहाल खबर ये है कि 400 रुपए से 1000 से अधिक पहुंच चुके डोमेस्टिक गैस के दामों के बीच अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी अपनी कमीशन बढ़ाने की मांग उठाई है। ऐसे में आज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जम्मू में ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के बैनर तले एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की। अपनी मांग को लेकर विचार भी शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि फेडरेशन अपनी इस मांग को लेकर, इस डिमांड को लेकर अपनी रणनीति भी तैयार कर सकती है। जानकारी देते चले, फेडरेशन के प्रधान वीरेंद्र कुमार का कहना है कि उनकी कमीशन पिछले कई सालों से नहीं बढ़ाई गई, जबकि डोमेस्टिक एलपीजी के दाम 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। और वहीं इन सालों में महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सेडिजल के दाम भी 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और उन्हें घर घर जाकर सप्लाई पहुंचानी पड़ती है, जिस कारण उनकी गाड़ियों का खर्च और ड्राइवर व हेल्पर का वेतन भी नहीं निकल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वीरवार सुबह इस रेफरेंस में एक मीटिंग का आयोजन किया प्रेस क्लब जम्मू में, जिसमें शहर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हुए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कहीं पहुंच गई है और इसी महंगाई में इतनी कम कमीशन में उनके लिए डीलरशिप को चलाना महंगा हो रहा है, क्योंकि अगर वो डीलरशिप कर रहे हैं और एलपीजी सिलेंडर्स की होम डिलीवरी कर रहे हैं तो उनके गाड़ियों का खर्च भी जा रहा है, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी जिस तरह से महंगे हो रहे हैं तो उनका खर्च भी इन पर पड़ रहा है, हेल्पर्स को भी इनको पैसे देने पड़ते हैं, ड्राइवर्स को भी इनको अलग से सैलरी देनी पड़ती है। और ऐसे में इन्होंने ये कहा कि अब इनकी कमीशन जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से कमीशन नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना रहा कि उन्हें 30 रुपए के करीब प्रति डोमेस्टिक सिलेंडर कमीशन मिल रही है और इसमें उन्हें अपनी डीलरशिप में काम कर रहे वर्कर्स के वेतन, गाड़ियों का खर्च, गोदाम का किराया, डीलरशिप कार्यालय का किराया, बिजली पानी का खर्च आदि निकालना पड़ता है, जो काफी नहीं पड़ रहा। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि अब महंगाई भी पिछले कुछ सालों के मुकाबले दुगनी हो चुकी है। वही डीजल के प्राइसेस की बात करते चले तो जिस तरह से 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और ऐसे में उन्हें घर घर जाकर सप्लाई जो पहुंचानी पड़ती है, जिस कारण उनकी गाड़ियों का खर्च और ड्राइवर व हेल्पर की सैलरी भी नहीं निकल पा रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वीरवार सुबह इस संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हुए। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना रहा कि सरकार उनकी समस्या को समझे और उनकी कमीशन बढ़ाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी अगली रणनीति को लेकर जल्द ही कोई घोषणा कर सकते हैं। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने निकल कर आई कि 1 जुलाई से हो सकता है कि होम डिलीवरी जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर की बंद कर दी जाए। आप इसको एक तरह का प्रोटेस्ट भी समझ सकते हैं डीलर्स का, क्योंकि वो इस समय परेशान आ चुके हैं बढ़ती महंगाई से और कहीं ना कहीं उनकी जो कमीशन जो नहीं बढ़ा रही है सरकार, उससे बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं। और ऐसे में ही आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो सभी एलपीजी गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती है, जिसमें बहुत से अहम डिस्कशंस आप कह सकते हैं की गई। फिलहाल ये थी पूरी खबर। अगर इस खबर से संबंधित और अपडेट्स सामने निकल कर आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहें सच न्यूज नेटवर्क के साथ। फिलहाल लेते हैं इजाजत। जय हिंद। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और अपने रिव्यूज भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।